आपका स्वागत है। देखिए मेरे लड्डू बचे हुए हैं, इन्हें एक सप्ताह हो गया है फ्रीज में रखे हुए, इनको खाने का मन नहीं हो रहा है। और बादाम भी ठंड होकर रखे हुए थे तो मैंने भिगा दिया है। अब देखिए इनको मैं ताज़ी मिठाई बनाऊँगी और खाऊँगी। अब इधर मैंने रख दी कढ़ाई और इधर मेरी चाय बन गई है। देखिए इसमें कढ़ाई में मैं ये सारे लड्डू इसे डाल दूँगी। चाय को पहले मैंने इसमें पानी रखा, फिर चाय पत्ती डाली, शक्कर डाली, थोड़ी सी इलायची भी डाली। अब इसमें मैं दूध डालूंगी। जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक मेरी मिठाई भी तैयार हो जाएगी। बचे हुए मिठाइयों को ताज़ा करने के लिए आप इसको कढ़ाई में अच्छे तरीके से भूनेंगे। आप चाहें लड्डू बना सकती हैं या आप इसे कतली भी जमा सकती हैं और ये फिर से ताज़ी मिल जाती हैं। फ्रीज में रखी हुई थी, फ्रीज में रखी थी तो ख़राब तो नहीं हुई है, लेकिन खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दिन की रखी है, नहीं खाऊंगी। अब इसे मैं फिर से ताज़ी कर लेती हूँ। इसे गैस को धीमा कर देती हूँ। इसे गैस को धीमा कर देती हूँ। इधर मैंने बादाम भी गए थे, तब तक मैं बादाम को भी छीलती हूँ। ऐसे भिगा देने के बाद सिर्फ बादाम बहुत आसानी से छीलती हूँ। ऐसे मसाला बनता है, सारी बादाम से जाएगी। गैस को अंदर थोड़ा सा तेज कर दे रही हूँ, बंद हो गई थी धीमा करने में। देखिए मेरी चाय कितनी टेस्टी खोल रही है। ये लड्डू हैं फ्रीज में रखे थे 4-5 दिन से, उन्हें कैसे ताज़ी मिठाई बना रहे हैं। ये 2 परवल वाली मिठाई थी, उसी में से मिक्स कर दिया है। अभी खाना ताज़ी हो गई है, बहुत अच्छी लगेगी। और इधर मेरी चाय भी बन गई है, दोनों बना के आपको दिखाऊंगी। इधर मैं बादाम भी छील रही हूँ। भून के तैयार हो गए हैं लड्डू, सारी बूंदी और परवल की मिठाई सब के समय मैंने भून लिया है। अब चाह रही हूँ लड्डू बनाने। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए मैंने अभी उसे लड्डुओं को भूना था और भून के लड्डू बनाए हैं। और ये बादाम मैंने घर के पहले भी भून दिया था, फिर इसके छिलके उतार लिया है। इसमें इसे लगा दूँगी तो बादाम गर्म भी नहीं होता है भिगाने के बाद, इसकी तासीर गर्म नहीं होती है। और इसे मैंने लगा दिया है तो ये खाने में भी अच्छी लगेंगी और देखने में भी अच्छी लगेंगी। गैस देखिए मैंने कितनी सुंदर लड्डू बनाए हैं और अपने यूट्यूब चैनल में डालूँगी। आप लोग इसे सब्सक्राइब करिए। ये मैंने बनाए हैं रखे हुए लड्डुओं को, हफ्ते भर से लड्डू उसमें फ्रीज में रखे हुए थे, उन्हें मैंने गर्म करके भून लिया है। और भून के तो मैंने भूना है तो वो बहुत अच्छे हो गए हैं, ताज़े ताज़े। और भून के मैंने बादाम रखी थी, वो 1.5 घंटे पहले भिगा दिया था। भिगाने के बाद लड्डू बना के बादाम में लगा दिए, लड्डुओं में बादाम लगा दिए। कितने सुंदर लग रहे हैं।